इस वक्त मेरा पुत्र कहाँ है और किस हाल में है? मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। मैंने उसे घर आने को बहुत कहा, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। गणेश की पूजा में लगा। मैंने भी ऐसी पिटाई करी उसकी, उसके बाद उसे पेड़ से बांध दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप गूंगे और विकलांग हो जाए। इस तरह अपने शरीर को त्याग करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? जानते नहीं, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। हे ब्राह्मण देव, जैसे मनुष्य पुराने फटे व गंदे वस्त्रों का त्याग कर देता है, उसी प्रकार मैं इस घायल व शक्तिहीन शरीर को त्यागना चाहता हूँ। नए जन्म में नया शरीर धारण करके मैं अधिक उत्साह के साथ भगवान विनायक की पूजा करना चाहता हूँ। वत्स बल्लाल, धीरज से काम लो। सत्कर्मों के परिणाम कभी बुरे नहीं होते। इस तरह आप मेरा नाम लेने वाले हैं कौन? ना तो मैंने आपको कभी देखा है, ना ही मैं समझता हूँ कि आप मेरे संपर्क में कभी आए हैं। वत्स, अभी प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। हमें तुम्हें सबसे पहले इस बंधन से मुक्त करना होगा। नहीं नहीं, यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो अपना स्पष्ट परिचय दीजिए और फिर मेरी सहायता करें। जल थल है श्री विनायक, आप तुम्हारी लीला हर एक पल है। वत्स, तुम्हें मेरी भक्ति के कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर बंधन मुक्त और स्वस्थ करके मुझे धन्य कर दिया। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। वत्स बल्लाल, तुम्हारी तप पूर्ण भक्ति सफल हुई। मांग लो, अपना मनोवांछित वर मांग लो। हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरी कोई भी आकांक्षा शेष नहीं रह गई है। आप तो मुझे अपनी अनंत भक्ति प्रदान करें और संसार का कल्याण करें। वत्स बल्लाल, मैं तुम्हारी भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जिस स्थान पर तुम मेरी पूजा कर रहे हो उस स्थान को सुप्रसिद्ध गणपति स्थान माना जाएगा। तुम्हारा नाम हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा। पृथ्वी लोक पर हमें बल्लालेश्वर तथा बल्लाल विघ्नेश्वर के नाम से जाना जाएगा। सेठ कल्याण को दिया हुआ तुम्हारा ये शाप शीघ्र ही फलित होगा। वो जल्द ही गूंगे और अपाहिज होंगे।
चल दिया। क्या हुआ? देखो ना जेठ जी को क्या हो गया, अचानक से बैठे बैठे गिर गए। स्वामी स्वामी क्या हुआ? अभी अभी तो आप काम कर रहे थे, ये अचानक क्या हो गया? स्वामी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जाओ पानी लेकर आओ। स्वामी कुछ बोलिए। हे प्रभु, माधवी शीघ्र अति शीघ्र जाओ और बैठ जी को बुला कर लाओ। जाओ अभी जल्दी जाओ। स्वामी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सेठानी जी इनकी अवस्था ठीक नहीं है, इन्हें एक साथ कई बीमारियों ने घेर लिया है, ना ये कुछ बोल सकते हैं और ना ही कोई हलचल कर सकते हैं। इनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। अब तो भगवान ही इनका मालिक है। मैं कुछ दवाएं दे देता हूं, संभवतः कुछ लाभ हो। अच्छा मैं चलता हूं। थोड़ा थोड़ा रुकिए। बैठी ये रख लीजिए। नहीं ये मैं नहीं लूंगा, रोगी के ठीक होने की अवस्था में ही मैं कुछ स्वीकार करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके पति शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। आज्ञा चाहूंगा। मैं सत्य हूं, क्रोध का दुष्परिणाम देखा आपने। शास्त्रकारों ने क्रोध को नरक का द्वार कहा है। सेठ कल्याण ने क्रोधावेश में बालक बल्लाल पर जो अत्याचार किए वे किसी नरक यातना से कम नहीं है। ऐसा करके स्वयं कल्याण ने भी अपने लिए नरक का द्वार खोल लिया है। सेठ जी, कल्याण सेठ जी, विधाता की लीला देखो। सेठ कल्याण का क्या रुतबा था जो आज गूंगा और अपाहिज बना हुआ पड़ा हुआ है। विधाता की लीला नहीं है भाई, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही सुख दुख का कारण बनता है। न जाने सेठ ने ऐसी कौन सी भूल कर दी जो आज इस हालत में है। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करते हैं, या तो सेठ कल्याण को ठीक कर दे या फिर इन्हें इनके कष्टों से मुक्ति दिला दे। इंदुमती जी, आप अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए सेठ की सेवा करती रहें, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है। आप सभी लोग गांव के प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्ति हैं,
कृपा करके कोई ऐसी औषधि, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ आदि का मार्ग सुझाएं, ताकि ताकि ये शीघ्र ही ठीक हो जाए। इंदुमती जी, हम सबको इस समय कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो कोई चमत्कारी ही नहीं ठीक कर सकता। अच्छा, अब हम चलते हैं। चलो भाई। हे विनायक, ये कैसी विपदान पड़ी है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? पुत्र बल्लाल, तुम कहाँ हो? यहाँ होते तो मेरी सहायता करते। तुम्हारे बिना मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला अनुभव कर रही हूँ। बिल्कुल अकेला। ये क्या, भगवान विनायक के दर्शन करने के पश्चात मेरे मन से सभी प्रकार की मोह ममता दूर हो गई थी, परंतु आज माता की याद कैसे आ रही है? कहीं वो संकट में तो नहीं? हे विनायक, आपने मुझे तो धन्य कर दिया। मेरी माता पर भी कृपा करें, उसे किसी तरह का कष्ट न हो, विशेषकर मेरी याद में वो दुखी ना हो। स्वामी, कल्याण को तो उसके किए का दंड मिल गया, किंतु इंदुमती ने ऐसा क्या बुरा किया है जो उसे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं? पार्वती, अपनी संवेदनाओं को विवेक का आधार दो। घटनाओं का मूल्यांकन किसी एक बिंदु पर नहीं किया जा सकता। मैं समझी नहीं देव। पार्वती, दुष्कृतियों का साक्षी बनना या उसे अनदेखा कर देना कर्ता की तरह ही दोषी का भागी बनाता है। बल्लाल के साथ हुए अत्याचार को इंदुमती चाहती तो रोक सकती थी। प्रभु, एक पतिव्रता नारी अपने पति के विपरीत कैसे जा सकती है? सत्कर्मों में पति का साथ देना या उसकी सेवा करना, जीवन यात्रा में उसकी सहभागी बनना हर पतिव्रता नारी का धर्म है, किंतु पति के दुष्कर्मों को होते हुए देखना या उसे अनदेखा कर देना, किसी भी प्रकार का प्रतिरोध न करना, ये सब पतिव्रत धर्म के विपरीत है। अर्थात इंदुमती को कल्याण के दुष्कर्मों का विरोध करते हुए अपनी नारी शक्ति का सहारा लेकर उसे सन्मार्ग पर लाना चाहिए था। आप धन्य हैं देव, मानव जीवन की सामान्य घटनाओं का भी आप सहज ही निराकरण कर देते हैं। पार्वती, इसीलिए संसार के स्त्री पुरुष हमें ही अपना आदर्श मानकर अपने दाम्पत्य सूत्र को दृढ़ बनाते हैं। मनुष्य को उसके बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। कल्याण को अपने किए का दंड भोगते काफी समय बीत गया है। उधर बल्लाल भगवान गणपति की पूजा आराधना में लीन है। आगे देखते हैं कि कल्याण के उद्धार का कोई मार्ग बनता है या नहीं। लीजिए मालकिन। Thank you.
दोनों इनकी देखभाल करो, मैं मंदिर होकर आती हूँ। जो आज्ञा मालकिन। सदा सुहागन रहो, कल्याण हो पुत्री। पंडित जी, आप तो जानते हैं बल्लाल के पिता की स्थिति ठीक नहीं है। वो एक साथ गूंगे और अपाहिज हो गए हैं। अब आप ही बताइए पंडित जी कि उनके ग्रह गोचर कैसे चल रहे हैं और वो कब तक ठीक होएंगे। आप बैठिए। पुत्री, यहां ग्रह गोचर का कोई प्रभाव तो नजर ही नहीं आ रहा है। समस्त ग्रह भी अपनी अपनी जगह पे ठीक ठाक है। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो सेठ जी को इस समय पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहना चाहिए था। पंडित जी, ज्योतिषी को तो देवज्ञ कहा जाता है और ज्योतिष को तीसरी आंख भी माना गया है। तब भी आप मेरे पति की अस्वस्थता का कारण नहीं बता पा रहे हैं। यदि कारण पता तो उसके प्रभाव का निवारण करने का मार्ग भी ज्योतिष बता देती है। तुम ठीक कह रही हो पुत्री। मनुष्य के कुछ अपराध इतने जघन्य होते हैं कि वे स्वतंत्र रूप से अपराधी को दंडित करने का प्रभाव रखते हैं, चाहे ग्रह गोचर की स्थिति कितनी भी ठीक क्यों ना हो। पंडित जी, ये तो आप मुझे नई बात बता रहे हैं। मेरे पति के स्वस्थ होने का कोई उचित मार्ग बताइए पंडित जी। आजीवन आपकी आभारी रहूंगी। ठीक है पुत्री। ओम गणपतये नमः। पुत्री, सेठ जी से कोई घोर अपराध बन पड़ा है। सेठ जी से भगवान विनायक रुष्ट हैं। भगवान विनायक के प्रति सेठ जी ने जो अपराध किया है उसका निवारण होने पर ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। पैसों के लालच के लिए मैं इस नरक में आ गई। जाने सेठानी कब तक आएंगी। अरे तुम इन सेठानियों को जानती नहीं हो। शेर तो धन कमाने के लिए पागल रहते हैं और ये मौज करती हैं। माती, यहाँ तो मार्ग में घने जंगल हैं। आप यहाँ तक कैसे पहुँची। मुझे एक चरवाहा मिल गया था जिसने मुझे तुम तक पहुँचा दिया। कैसी भिक्षा माते। तुम अपने पिताश्री को दिया हुआ श्राप वापस ले लो। गणेश ली।